गया है, जो आचार्य कुंदकुन देव का भाव पहोड़ ग्रंथ है, उसकी मंगलाचरण के तत्काल बाद की एक गाथा है, जिसमें लिखा है, स्वर्ग भी भावों से है, मोक्ष भी भावों से है, नरक भी भावों से है, इस विश्व की जितनी भी परिस्थितियां हैं सब यह भावों का ही फल है। और ये भाव कहाँ है कि भैया 15 दिनों से इतना पानी सींचा जा रहा है कि अब हम समय सार सुनने के लिए तैयार हुए। देखो, ये सिंचन का काम ही, प्रयोजन ही एक था, क्योंकि इसमें जो विषय आएंगे ना, वहां कोई स्पीड ब्रेकर, इसे रस भोगन सो नेक ना हटत है, बड़े बड़े संतों के पास हाजिरी डला के आ जाएगा, महाराजों के पास जाके आ जाएगा, विद्वानों के साथ सेल्फियां खिंचा लेगा, लेकिन विषय बस भोगन सो नेक ना हटत है, थोड़ा भी ये हटता नहीं है। गजब हो गया। क्यों सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, क्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। अब उसमें तो कोई करेक्शन करना नहीं ना, संसार पर्याय दृष्टि से। सब सारन में सार है, समय सार को सार, बिन जाने इस सार के है नर जन्म असार। सब सारन में सार है, अब नेक सार ना हटत है। इतना समझाने पर भी कुछ कुछ लोग इतने जिद्दी हैं, नेक नेक माने थोड़ा भी कहना नहीं मानते। सुनो भैया, रवि के उद्योत अस्त होत दिन दिन प्रति, अंजुली के जीवन जो जीवन घटत है, काल के ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, आर के चलत मानो काट सो कटत है। एते परे मूरख न खोजे परमारथ को, स्वार्थ के हेतु ब्रह्म भारत ठठत है, लग्यो फिरे फिरे लोगनि लोगनि सो सो भाग्यो भाग्यो पर फिरे, जोगनि सो विषय विषरस रस भोगनि भोगनि सो सो नेक नेक ना ना हटत हटत है, है, विषय विषय रस रस भोगनि भोगनि सो सो नेक नेक ना ना हटत हटत है। है। जी ने बड़ा कमाल का काम किया है। अगला छंद है इसमें, ये छंद तो समझो सबको रटा हुआ होना चाहिए। कौन सा? जबरदस्त है। जबरदस्त माने आप ऐसा संधि, ऐसा संयोग, निश्चय और व्यवहार का ऐसा सुमेल आपको कहां मिले। देखो, जो बिनु ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिनु क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिनु मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो अजान मूढ़न में मुखी।